दोस्तों वाकई में रैक्वाजा इंसानियत का रखवाला है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन वर्ल्ड में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन वर्ल्ड के हिस्ट्री के थर्ड पार्ट के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्टेंट पहुँचा सकें। दोस्तों ये हिस्ट्री वीडियो के लिए हम गेम्स मूवीज और ऑफिशियल आर्टिकल्स को लिए हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा म्यू से कैसे पोकेमॉन निकले और मेगास्टोन कैसे आया। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं आगे की स्टोरी के बारे में। दोस्तों ह्यूमन अननोन पोकेमॉन को अध्ययन करने से पहले अर्थ के हॉर्न रिलीजन में बहुत ही भारी मात्रा में उल्कापिंड पड़ना चालू हो गया था। इसके वजह से ड्रैगनेट पीपल जो कि हॉर्न रिलीजन के रहने वाले थे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हुए। इस उल्कापिंड के वजह से बहुत ही ज्यादा मात्रा में अर्थ में नेचुरल एनर्जी आ गया था और इसके वजह से ग्रोडन और कैगुरे उस एनर्जी के लिए लड़ने लगे। इन दोनों के लड़ाई की वजह से अर्थ में बहुत ही तहस नहस फैल रहा था, लेकिन इनको शांत करने के लिए ड्रैगनेट पीपल रैक्वाजा को तहे दिल से प्रार्थना करते हैं और रैक्वाजा उन लोगों का प्रार्थना नहीं टाल सका। तभी रैक्वाजा ओजन लिया से आके उन दोनों को शांत कर देता है और ये फाइट रुक जाती है। उसी टाइम से रैक्वाजा ड्रैगनेट पीपल के लिए रक्षक बन जाता है और रैक्वाजा के सम्मान के लिए ड्रैगनेट पीपल स्काई पिलर का निर्माण करते हैं। ह्यूमन अननोन पोकेमॉन को अध्ययन करने के बाद और कालोस्वर होने के हजार साल बाद फाइनली ग्राउडन और कैगुरे फिर से मिलते हैं और उन दोनों को ये रियलाइज हुआ कि दोनों को एक ही एनर्जी चाहिए यूनिवर्स में रहने के लिए। तभी वो दोनों एक ही एनर्जी के लिए फिर से झगड़ा शुरू कर देते हैं और अपने आप प्राइम फॉर्म में आ जाते हैं। ये दोनों जब प्राइम फॉर्म में आते हैं तो इनका बॉडी पहले से कुछ ज्यादा चेंज हो जाता है। इसके साथ ही साथ उनका पावर पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ये दोनों का झगड़ा प्लैनेट को बर्बादी के कगार में ला दिया था। इसके वजह से हॉर्न रिलीजन के प्राचीन लोग जिनका नाम ड्रैगनेट पीपल है पोकेमॉन रैक्वाजा से बचाने के लिए फिर से प्रार्थना करते हैं। रैक्वाजा उन लोगों का प्रार्थना सुन के कई सालों के बाद ओजन लेयर से निकल आता है। उस प्रार्थना में इतना शक्ति था कि रैक्वाजा मेगा इवोल्यूशन में विकसित होके मेगा रैक्वाजा बन जाता है। लेकिन दोस्तों अगर हम साइंटिफिकली वे में देखें तो रैक्वाजा के बॉडी के अंदर एक ऐसा पार्ट है जो मेगा स्टोन के इतना ही पावरफुल है, जिसके वजह से रैक्वाजा मेगा रैक्वाजा में विकसित हो गया था और ये पोकेमॉन हिस्ट्री के वर्ल्ड में फास्ट मेगा इवोल्यूशन था जो रैक्वाजा के द्वारा परफॉर्म किया गया था। तभी मेगा रैक्वाजा कुछ नया पावर्स यूज करके ग्राउडन और कैगुरे का फाइट रोका और उन दोनों को बहुत ही गहरा नींद में सुला दिया। जब तक वो अपने आप उठ नहीं जाते तब तक वो फ्री नहीं होंगे और उन दोनों को सील्ड कर दिया। दोस्तों यहाँ पर मल्टीवर्स का एक पॉइंट आता है। प्राइम ग्राउडन और कैगुरे इसके साथ ही साथ मेगा रैक्वाजा ये तीनों नॉन मेगा यूनिवर्स से बिलोंग्स करते हैं। ये तीनों मेगा यूनिवर्स से बिलोंग्स नहीं करते। इसके बाद एक आदमी और उसका लुकारियो पार्टनर दो अनजान पत्थर को खोज निकालते हैं। उनको पता चलता है कि ये दो पत्थर का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है और वो आदमी ये सोच रहा था कि इससे लुकारियो बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। ये दो पत्थर यानी कीस्टोन और मेगास्टोन को यूज करके लुकारियो मेगा लुकारियो में विकसित हो जाता है। लुकारियो का ये मेगा इवोल्यूशन पोकेमॉन वर्ल्ड के हिस्ट्री में पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले रैक्वाजा मेगा रैक्वाजा में विकसित हो गया था। लेकिन दोस्तों अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो सबसे पहला मेगा इवोल्यूशन लुकारियो के द्वारा हुआ था, जिसमें कीस्टोन और मेगास्टोन ये दोनों को यूज किया जा रहा था, जिसके वजह से पोकेमॉन और ट्रेनिंग के बीच में बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग हो गया था। तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीवर्स का एक और पॉइंट आता है। वो पॉइंट ये है कि लुकारियो मेगा यूनिवर्स से बिलोंग्स करता है, ये नॉन मेगा यूनिवर्स से बिलोंग्स नहीं करता। तो दोस्तों यही था पोकेमॉन वर्ल्ड के हिस्ट्री के थर्ड पार्ट के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे कि आगे की स्टोरी क्या है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आप तक ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। तो दोस्तों हम आपसे वापस मिलेंगे किसी दूसरे नए वीडियोस में।